आज कश्मीर दौरे पर रहेंगे अमित शाह, हालात का भी लेंगे जायजा, कुछ संगठनों से करेंगे मुलाकात। कश्मीर में जारी चुनावी गतिविधियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को श्रीनगर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही घाटी में विभिन्न सियासी अटकलों ने भी जोर पकड़ लिया है। कहा जा रहा है कि अमित शाह का ये दौरा बारामूला और अनंतनाग संसदीय क्षेत्रों में होने जा रहे चुनाव पर केंद्रित है, लेकिन भाजपा ने इससे इनकार किया है। कश्मीर में जारी चुनावी गतिविधियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को श्रीनगर पहुंच रहे हैं। इसके साथ घाटी में विभिन्न सियासी अटकलों ने भी जोर पकड़ लिया है। कहा जा रहा है कि उनका ये दौरा बारामूला और अनंतनाग संसदीय क्षेत्रों में होने जा रहे चुनाव पर केंद्रित है, लेकिन भाजपा ने इससे इनकार किया है। आगे कहा कि वो विभिन्न सामाजिक, व्यापारिक व मजहबी संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर कश्मीर के मौजूदा हालात का जायजा लेने आ रहे हैं। कश्मीर द्वारा सुरक्षा परिदृश्य का जायजा लेने की संभावना है, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने बैठक की पुष्टि नहीं की है। इस बीच कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने गृह मंत्री से मुलाकात का मौका न दिए जाने पर एतराज जताते हुए कहा कि क्या हम केंद्र सरकार के लिए सिर्फ बलि का बकरा हैं, जो हमें वोट या कश्मीर के हालात सामान्य दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रदेश प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शाह शाम 6 बजे श्रीनगर पहुंच रहे हैं। शुक्रवार दोपहर को दिल्ली लौटने से पूर्व वो कश्मीर के विभिन्न जनप्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात कर जमीनी हालत को समझेंगे, वहीं सुरक्षा समीक्षा बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन ये बैठक अभी अंतिम रूप से तय नहीं है। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने बताया कि गृह मंत्री के साथ गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी समुदाय के प्रतिनिधियों के अलावा विभिन्न व्यापारिक, सामाजिक और मजहबी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेंगे। युवाओं, कुछ संगठनों के अलावा नागरिक समाज के भी प्रतिनिधियों की गृह मंत्री के साथ मुलाकात तय है। वो शुक्रवार को लौट जाएंगे। सूत्रों ने शाह का दौरा बारामूला और अनंतनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में कई जगह पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता ने कथित तौर पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का साथ नहीं दिया है। बारामूला और अनंतनाग संसदीय क्षेत्र में अपनी पार्टी के कार्यकर्ता पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जा सकते हैं। अनंतनाग सीट पर भी अपनी पार्टी की स्थिति पहले जैसी नजर नहीं आ रही है। दोनों सीटों पर गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी वोटर किसी भी उम्मीदवार की हार जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भाजपा दोनों सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन वो परोक्ष रूप से अपनी पार्टी का अनंतनाग में और बारामूला सीट पर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का समर्थन कर रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी व पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के समर्थन में प्रचार करते देखा जा सकता है।